नमस्कार साथियों, मैं भानु प्रताप गोला आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्यारे विद्यार्थियों के लिए है। प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑडियो आर्टिकल में हम जानेंगे परीक्षा में अधिक नंबर लाने के अचूक मंत्र। प्यारे विद्यार्थियों, और इस अचूक मंत्रों को हम जानेंगे एक पुस्तक के माध्यम से। पुस्तक का नाम है पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, एक प्रसिद्ध लेखक हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल, उनके द्वारा लिखी गई है। चाहो तो इस पुस्तक को आप मार्केट से खरीद कर भी पढ़ सकते हो, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ आज किसी विद्यार्थी के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने पाठ्यक्रम के अलावा कोई अन्य पुस्तक भी साथ साथ पढ़ सके। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए मैं आपके लिए इस पुस्तक को ऑडियो आर्टिकल की तरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 5 से 10 मिनट की वीडियो हुआ करेगी, जिसको आप सुन करके अपनी सफलता को छू सकते हैं। प्यारे साथियों, आइए जानते हैं परीक्षा से संबंधित परीक्षा में अधिक नंबर लाने के अचूक मंत्र क्या हो सकते हैं। उन सब चीज़ों को जानने से पहले हमें ये जानना होगा प्यारे साथी कि अध्ययन क्या है। आपके दिमाग में यह बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि आप इस अमूस पुस्तक को क्यों सुन रहे हैं। सचमुच उन युवा विद्यार्थियों को यह विश्वास दिला पाना आसान काम नहीं था कि अध्ययन की भी कोई कला होती है, लेकिन 1 महीने के लगातार संपर्क के बाद उनके पास मेरी बात को जुटलाने का कोई और उपाय नहीं रह गया था। उन्हें यह मानना ही पड़ा कि अब किसी भी विषय को पढ़ने, देखने, समझने, अपने दिमाग में बनाए रखने तथा उसे दूसरों को बताने का उनका पूरा ढंग ही बदल चुका है। वह पब्लिक स्कूल इस बात का प्रमाण था कि CBSE की परीक्षा में उनके यहाँ का परीक्षा परिणाम 100% यानी कि 100% रहा, और वह भी प्रथम श्रेणी को बहुलता के साथ। आप यह पुस्तक क्यों सुन रहे हैं, इसका मतलब ही है आपके पास अध्ययन करने का अपना एक अनुभव रहा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे नहीं मालूम कि आपको कभी यह बताया गया है या नहीं, अध्ययन करना अपने आप में एक कला है। कला यह सिर्फ कला ही नहीं बल्कि एक विज्ञान भी है। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, इस बारे में मैंने जितने लोगों से बातें की हैं, लगभग सभी ने मुझे निराश किया है। मुझे उनका यही उत्तर मिला है, हम पढ़ते रहे हैं। अब इसमें जानने जैसी बात ही क्या रह जाती है, आप भी सोच रहे होंगे, लेकिन मैं बचपन से ही इसके प्रति बेहद उत्सुक रहा हूँ। मेरे ऐसे साथी मुझे हमेशा बहुत सम्मोहित करते रहते हैं, जो पढ़ते मुझसे कम थे लेकिन नंबर मुझसे ज़्यादा लाते थे। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, सुनिए ध्यान से, कहीं आपके साथ भी तो ये बात नहीं है। मेरे ऐसे साथी थे जो मुझसे कम पढ़ा करते थे लेकिन नंबर मुझसे ज़्यादा लाया करते थे। हालांकि पढ़ता मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा करता था, लेकिन उनके अनुपात में नंबर अधिकांश तक कम ही आए मेरे। मेरे लिए शुरू से ही यह समस्या ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की समस्या से कम नहीं रही, लेकिन जब किसी समस्या के प्रति जिज्ञासा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो आप ही उसका समाधान निकालने वाले बन जाते हैं, क्योंकि समस्याओं से जितना लड़ोगे प्यारे विद्यार्थियों, आप इतने मिस्टर सॉल्यूशन बनोगे। समस्याओं को सॉल्व करते करते आप मिस्टर सॉल्यूशन बन जाओगे, और समस्याओं से आप डर के भागोगे, डरते डरते मिस्टर डरने वाले बन जाओगे। इसलिए समस्याओं से डरना नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, समस्याओं से लड़ना होगा। समस्याएं मैं आपको आम भाषा में समझाऊं तो आप गली के कुत्ते बिल्लियों की तरह ये समस्याएं होती हैं। अगर कुत्ते बिल्लियों से आप डरते हैं तो वो आपके पीछे भागती हैं, आपका पीछा करती हैं, आपको जकड़ने की कोशिश करती हैं, आपको काटने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसी समय एक फटकार आप मार दे तो बताऊं किस तरीके से, हट्टू हाय, तो वो दूर भाग जाते हैं। मेरा मतलब कुत्ते बिल्ली दूर भाग जाते हैं। सेम इसी प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है समस्याओं का होता है बच्चों। समस्याओं से आप डरेंगे तो वो आपको पीछा करेंगे, आपको काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी समय अड़ करके आप समस्या से कह दे हो मुझे तेरी चुनौती स्वीकार है, तो समस्या डर कर भाग जाएगी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
समाधान निकालने के लिए मैंने अपने अनुभव के साथ साथ सैकड़ों सफल और असफल लोगों के जीवंत अनुभवों को आत्मसात किया, उनसे कुछ निष्कर्ष निकाले, उन निष्कर्षों को प्रयोग की कसौटियों पर कसा और फिर जो इन कसौटियों पर खरे उतरे उन्हें मान लिया। मैं यहाँ अपने कुछ ऐसे ही अनुभव सिद्ध तथ्यों को आप सबके सामने बांटने जा रहा हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि ये बातें आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होंगी, बशर्ते कि आप इन्हें अपने अध्ययन की पद्धति में जितना भी संभव हो सके उतार सकें। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा। ऐसे ही 5 से 10 मिनट की या 5 से 7 मिनट की रोजाना का एक आर्टिकल मैं आपके लिए प्रस्तुत करूँगा। आपसे निवेदन यह है कि यदि इस वीडियो आर्टिकल को आप सुन रहे हैं जिसके माध्यम से भी आपके पास ये पहुंचा है, कोशिश करें हमारे YouTube चैनल की लिंक पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें सीधा नोटिफिकेशन आपके पास जाए, वीडियो आने में आपके पास देरी ना हो। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक नए अंदाज में मैं आपसे फिर मिलूँगा। सभी प्यारे विद्यार्थियों को राधे राधे।